हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो मैं नेहा शर्मा हाजिर हूँ आप सभी के सामने आज के जीके क्वेश्चंस लेकर। आई होप आपने अब तक के प्रीवियस वीडियोस देख लिए हैं। 10 क्वेश्चंस डेली जीके के पूछे जाते हैं। अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा ही। और उन 10 क्वेश्चंस के साथ अब हमने एक्सप्लेनेशन भी इन्वॉल्व कर दिया है कि उन 10 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी हम आपको देंगे, ठीक है। तो 10 सेकेंड का टाइमर होगा पर क्वेश्चन। आपको उस 10 सेकेंड में क्या मेक श्योर करना है कि आप कमेंट्स में मुझे आंसर दे दो उस 10 सेकेंड में, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप भी चीटिंग नहीं कर रहे हो, आपको भी आंसर पता है, और आपने 10 सेकेंड में, जैसे यू नो एग्जाम में हमको टिक करना रहता है, वैसे ही 10 सेकेंड में आपने आंसर दे दिया है, ठीक है। सो एक तरीके से मेक श्योर हो जाएगा कि आपकी टाइम की भी टेस्टिंग हो जा रही है कि आप इतने टाइम में, इतने कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, एज वेल एज आपकी जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन हुई है या नहीं, वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि पैटर्न क्या है, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो, और अगर आप पुराने हो तो आप फॉलो कर ही रहे हो। सो शुरू करते हैं आज की सीरीज। आज है 23 नवंबर और 23 नवंबर के जीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं आप सभी के सामने। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लिवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, मतलब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। वेल्थ, इनकम टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स या गिफ्ट टैक्स। आपके ऑप्शंस, आपका टाइमर शुरू होता है अब। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स बेसिकली सिर्फ राज्य सरकार लगाती है। राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बचे हुए कितने टैक्सेस हैं यहाँ पर जो दिए हुए हैं। वेल्थ टैक्स मतलब जो हमारी संपदा पे लगता है, इनकम टैक्स जो कि हमारी आय पे लगता है, आयकर बोलते हैं जिसे, और गिफ्ट टैक्स जो कि उपहार पे लगता है, ठीक है। ये सारे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट नहीं, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट टैक्स को कई बार अम्यूजमेंट टैक्स भी बोला जाता है। ये भी आपको आ सकता है कि अम्यूजमेंट टैक्स किसे बोला जाता है, कौन से टैक्स को बोला जाता है, ठीक है। तो ये एंटरटेनमेंट टैक्स को बोला जाता है। एंटरटेनमेंट टैक्स है क्या, ये किन चीजों पे लगाया जाता है, जैसे कि आप कभी मूवी देखने जा रहे हो, ठीक है, या आपके एरिया में कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ है, मान लीजिए कबड्डी की बहुत बड़ी नेशनल इवेंट हो रही है जहां पे अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं या अलग अलग देशों से आ रहे हैं, इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, तो वो होगा स्पोर्ट्स इवेंट। तो उसकी टिकट अगर आपको खरीदनी है, कबड्डी का मैच आपको देखने जाना है या क्रिकेट मैच आपको देखने जाना है ना, इस तरीके की चीजें आपके एरिया में। जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो मेरे स्टेट की कैपिटल है रायपुर, और रायपुर के स्टेडियम में मान लेते हैं कि एक क्रिकेट का मैच हुआ, तो उस स्टेडियम में जो क्रिकेट का मैच होगा उस पे टैक्स लगाएगी स्टेट, मतलब छत्तीसगढ़ की सरकार उस पे टैक्स लगाएगी और वो इनकम उसकी होगी, ठीक है। वो टैक्स के थ्रू इनकम उसकी होगी जो छत्तीसगढ़ की जो स्टेट है वो अपने एक्सपेंसेस में यूज करेगी, मतलब उसके जो भी पर्सनल खर्चे हैं वो उस इनकम को वहां यूज करेगी, समझ में आया। तो इस तरीके के टैक्सेस को बोलते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार लगाती है, इसमें केंद्रीय सरकार का कोई रोल नहीं है, ठीक है। और बेसिकली मोस्ट ऑफ दी जितने टैक्सेस हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कि बायर पे ही रिलेट करते हैं डायरेक्ट पे, जैसे मुझे टिकट खरीदनी है तो मुझे पे करना है डायरेक्टली टैक्स मिला के, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीआई इज एन एग्रीगेट मेजर ऑफ प्रोसेस इन विच ऑफ द थ्री डाइमेंशंस। एचडीआई 3 आयामों में से किसमें प्रगति का एक समग्र माप है, ठीक है ना। आपके ऑप्शंस हैं हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, फूड सिक्योरिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, या फिर हाइट, वेट एंड कलर। आपका टाइमर शुरू होता है अब। ओके, एंड आपका आंसर है हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। एचडीआई टोटली हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम पे फोकस करता है, ठीक है। आपने देखा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं इसे, एचडीआई को क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो बेसिकली ये इंडेक्स हर साल रिलीज होता है, इसमें आप देखेंगे कि मतलब हर कंट्री की क्या रैंकिंग है, और इंडिया की रैंकिंग काफी नीचे रहती है बिकॉज एजुकेशन सेक्टर में इंडिया बहुत मार खाता है, इनकम सेक्टर में भी बहुत मार खाता है क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, जिस चक्कर में मतलब गरीबी बहुत ज्यादा है, तो इनकम भी इंडिया की कम रहती है और हेल्थ भी इंडिया की कहीं ना कहीं डिक्लाइंड ही रहती है डेवलप्ड कंट्रीज के सामने। तो इसलिए इंडिया की रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफी नीचे पाई जाती है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्लस एचडीआई किन 3 चीजों को फोकस में रख के रैंकिंग देता है,
हेल्थ को, एजुकेशन को और इनकम को. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्किंग कमिटी ऑफ नेशनल कांग्रेस सैंक्शन द रिजोल्यूशन नेम्ड क्विट इंडिया एट डैश. ठीक है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. ठीक है, ना आपके ऑप्शंस है कहाँ दी थी, वर्धा, नागपुर, मुंबई या दिल्ली. आपका टाइमर शुरू होता है अब. कहाँ दी थी ये मंजूरी, ये आपको बताना है. आपका आंसर है वर्धा. वर्धा में ये बेसिकली परमिट जो है या प्रस्ताव जो है ये मिला था. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उस पर एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं था, उसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है. प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिकल्स इज डन इन साइंस ऑफ डैश. ऐतिहासिक लेखों का परीक्षण डैश के विज्ञान में किया जाता है. ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं आइकोनोग्राफी, न्यूमिस्मैटिक, म्यूजियोलॉजी या फिर एपिग्राफी. आपका टाइमर शुरू होता है अब. हिस्टोरिकल आर्टिकल्स को संभाल के समेट के कहाँ रखा जाता है. चलिए, आपका आंसर है म्यूजियोलॉजी. अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ क्या चीजें हैं. म्यूजियोलॉजी का तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हिस्टोरिकल आर्टिकल्स को प्रिजर्व करके रखने वाली चीज है ना, उस थ्योरी को हम म्यूजियोलॉजी बोलते हैं. अब म्यूजियोलॉजी से आपको एक वर्ड, एक टर्म ध्यान आ रहा होगा, म्यूजियम. ठीक है, तो म्यूजियम में क्या होता है, पुरानी चीजों को संभाल के रखा जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे देख सके, है ना. अब म्यूजियम किसी भी चीज के हो सकते हैं, जैसे गांधी जी का भी म्यूजियम है, गांधी जी के बहुत सारे म्यूजियम है जहां जहां गांधी जी ने अपना समय बिताया है, ज्यादा समय जहां जहां इंडिया में वो रहे हैं उन प्लेसेस को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया. गांधी जी जहाँ सोते थे उस बिस्तर को भी रखा गया है, जो भी चीजें यूज करते थे उसे भी रखा गया है, जहां भी जिस चूल्हे में खाना बनता था उसे भी रखा गया है. एक और टाइप का म्यूजियम होता है जो एनिमल से रिलेटेड होता है, जहां पर जैसे प्रीवियस जो डायनासोर पाए जाते थे उनकी कुछ चीजें अगर अभी भी प्रिजर्व करके रखी गई है तो आने वाली पीढ़ियां उसे देख सके, है ना. तो उसे बोलते हैं म्यूजियम. वो एक बिल्डिंग है जहां पर वो सारी चीजें रखी गई है. लेकिन म्यूजियोलॉजी जो अभी मैंने आपको बताया, ये बेसिकली उन सारी चीजों को सहेज के रखने की थ्योरी को बोलते हैं. तो म्यूजियोलॉजी में म्यूजियम आएगा. ठीक है, कि उन थ्योरी को सहेज के रखने जाने के लिए ये एक बिल्डिंग का यूज हो रहा है. ठीक है, तो म्यूजियोलॉजी कंसिस्ट ऑफ म्यूजियम्स. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ म्यूजियोलॉजी जैसे एक टर्म है, वैसे ही बहुत सारे टर्म्स होते हैं. स्पेसिफिकली ब्रांचेस होती हैं बायोलॉजी की. ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कार्डियोलॉजी. कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट की स्टडी, जहां पर हम दिल की, हार्ट की पढ़ाई करते हैं. और जो दिल का डॉक्टर होता है, हार्ट का डॉक्टर होता है, उसे बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट, है ना. तो सेम वे आपको ये सारे टर्म्स याद करने पड़ेंगे क्योंकि एक ना एक टर्म आता है एसएससी में. ठीक है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आप बहुत अच्छे से याद कर लो, जितनी भी ब्रांचेस हैं आप अच्छे से याद कर लो, आपको एक ना एक टर्म जरूर आएगा. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं एक म्यूजियम की फोटो मैंने लगाई है. अल्फा अल्फा इज द नेम ऑफ डैश. अल्फा अल्फा किसका नाम है. ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं मिनरल, ट्राइब, ग्रास या टाउन. आपका टाइमर शुरू होता है अब. मिनरल, ट्राइब, ग्रास या टाउन. अल्फा अल्फा. चलिए, एंड आपका आंसर है ग्रास. सबसे पहले तो यहाँ मैंने कुछ इमेजेस लगाई हैं, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ. ये देखिए, ठीक है, ये है अल्फा अल्फा की सीड. ठीक है, ये है अल्फा अल्फा का प्लांट और ये है अल्फा अल्फा के स्प्राउट्स. ठीक है, तो बेसिकली आप इसको स्प्राउट फॉर्म में भी यूज कर सकते हो. बहुत लोग इसे इस तरीके से स्प्राउट करके इसका इंटेक भी करते हैं, बिकॉज ये काफी हेल्दी होता है ऐसा माना जाता है खाने में. तो ये बेसिकली एक तरीके का ग्रास है. आपको क्या क्या ऑप्शंस दिए गए थे, आपको दिया गया था मिनरल, मतलब कोई मिनरल है क्या, कोई खनिज है क्या. जैसे मिनरल क्या होता है, जैसे आयन, आयन एक मिनरल है, राइट. तो ये कोई मिनरल नहीं है. कोई ट्राइब है क्या, मतलब किसी प्रकार की जाति है क्या, नहीं ये कोई जाति भी नहीं है. कोई कस्बा है क्या, टाउन है क्या, नहीं ये एक प्रकार का ग्रास है जो खाया जाता है. ठीक है, तो मैंने आपको इसकी तीनों फॉर्म्स की इमेज दिखा दी है. इसकी सीड ऐसी दिखती है, आपने देखा भी होगा कई बार, अगर आप खाते भी होंगे तो आपको पता होगा ये ऐसा इसका प्लांट दिखता है और ऐसे इसका स्प्राउट फॉर्म दिखता है. तो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ शैल वी मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन.
या नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल दैट इज यूज्ड टू रिपन मैंगोज, आम को पकाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला रसायन क्या है? एंड आपके ऑप्शंस हैं कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड। एंड आपका टाइमर शुरू होता है अब। आप पूछेंगे कि पकाने के लिए, यस, बहुत से आर्टिफिशियल मैंगोज भी आते हैं एक्स्ट्रा पकाए हुए, है ना, जो कि नेचुरली उतने नहीं पक सकते। तो आजकल तो सभी चीजों में केमिकल यूज हो रहा है, आजकल ज्यादा चीजें ऑर्गेनिक रह नहीं गई हैं। तो आपका आंसर है कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। देखो, बहुत सारे मैंगोज के साथ इस तरीके का एक सैशे आता होगा, वो कैल्शियम कार्बाइड का सैशे है, जो उस आम को या उस मैंगो को हेल्प करता है ज्यादा पकने में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल राइपनिंग। ठीक है, आपने ये टर्म सुना होगा, आर्टिफिशियल राइपनिंग, मतलब आर्टिफिशियली पकाना, समय से पहले पकाना, जल्दी पकाना, है ना, क्योंकि आजकल बहुत क्रेज है मीठे आमों का एंड ऑल दैट। तो आपको पता है कि ऑर्गेनिकली नेचुरली तो भाई इस तरीके के होने से रहे जनरली। तो आजकल बहुत सारी जो स्पीशी, मतलब ब्रीड्स हैं, चाहे वो प्लांट्स की हो गई चाहे फ्रूट्स की हो गई, बहुत कुछ आर्टिफिशियली बना के लाया जा रहा है। ठीक है, तो ये इनमें से एक है। वैसे मैंगो बहुत आपको देखने को मिलेंगे, आपको बहुत सारे मैंगोज के बॉक्सेस में कि पाउच मिलेगा, ये कैल्शियम कार्बाइड का पाउच होता है जो उसको पकने में हेल्प करता है, आम की पेटी में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टर्म स्मैशर इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट, कौन से खेल में बेसिकली आपको स्मैशर शब्द सुनने को मिलेगा? एंड आपके ऑप्शंस हैं हॉकी, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल या क्रिकेट। आपका टाइमर शुरू होता है अब। सुना होगा आपने, स्मैश करना, दिमाग लगाओ, अगर नहीं भी पता है तो दिमाग लगाओ, स्मैश करना। ओके, सो आपका आंसर है वॉलीबॉल। मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ, देखो वॉलीबॉल में ये एक, मतलब एक मुद्रा होती है, आप बोल सकते हो, जब बॉल को बहुत जोर से स्मैश करके सामने वाले के कोर्ट में फेंका जाता है, राइट? तो ये वाली जो किक है इसको स्मैश बोलते हैं। ये क्रिकेट में नहीं देखने को मिलेगी, बॉक्सिंग में भी नहीं देखने को मिलेगा, ना ही हॉकी में, ऐसा कोई टर्म यूज नहीं होता है। ये वॉलीबॉल में यूज होता है स्मैश। नाउ आगे बढ़ते हैं। डैश इन्वॉल्व्स ट्रेवरिंग द एंटायर फाइल सिस्टम, मेकिंग एवरीथिंग दैट कैन बी एक्सेस्ड। डैश में पूरे फाइल सिस्टम को ट्रेस करना, हर उस चीज को चिन्हित करना शामिल है जिसे एक्सेस किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं इंडेक्स पॉइंटर, गार्बेज कलेक्शन फाइल सिस्टम या स्टैक पॉइंटर। आपका टाइमर शुरू होता है अब। कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और कंप्यूटर से रिलेटेड एक पूरी सीरीज आने वाली है जीके की, सो डोंट वरी, आपका वहां पे कवर हो जाएगा। एंड आपका करेक्ट आंसर है गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन इज द करेक्ट आंसर। इसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जीके जो कंप्यूटर की सीरीज आएगी वहां पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको एक एक चीज को। ना आगे बढ़ते हैं। नाइलॉन थ्रेड्स आर मेड ऑफ डैश, नाइलॉन के जो धागे होते हैं, मैं आपको इसकी फोटो भी दिखाऊंगी आगे, बहुत से घरों में मम्मियां भी यूज करती हैं, है ना। तो वो जो धागे होते हैं वो किससे बने होते हैं? पॉलिएस्टर पॉलीमर, पॉलीमेड पॉलीमर, ठीक है, पॉलीविनाइल पॉलीमर या फिर पॉलीसैकराइड। आपका टाइमर शुरू होता है अब। इस सीरीज की खास बात यह है कि हिंदी स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में भी सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, है ना। का आंसर है पॉलीमाइड पॉलीमर। अब आपको मैं फोटो दिखाती हूँ, ये देखो, इस तरीके के नाइलॉन के धागे होते हैं जो हल्के से, मतलब शाइनी होते हैं लुक में, और थोड़े से सिल्की सिल्की से दिखते हैं, हर कलर में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो ये नायलॉन के जो धागे होते हैं ये पॉलीमाइड पॉलीमर के बने होते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आई गेस क्या ही एडिशनल बताऊं। आगे बढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड कनेक्ट्स डैश, आपको पूछा जा रहा है दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन किसको जोड़ती है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क एंड सीटल, ठीक है, लेनिन ग्राद एंड व्लादिवोस्तोक, त्रिवेंद्रम एंड गुवाहाटी या फिर पर्थ एंड सिडनी। एंड आपका टाइमर शुरू होता है अब। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन, सुना होगा आपने, बहुत पॉपुलर है, बिकॉज सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, ये सब याद रहता है जनरली, है ना। चलिए, एंड आपका आंसर है लेनिन ग्राद एंड व्लादिवोस्तोक। ठीक है,
तो ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर अगर है लेनिनग्राद और यहाँ पर है व्लादिवोस्तोक, ठीक है, तो ये जो रूट है रेलवे का, ये सबसे लंबा है इन द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है, इन द एंटायर वर्ल्ड। जैसे हम अगर बात करते हैं इंडिया की, यहाँ पर हम वर्ल्ड की बात कर रहे थे, मतलब दुनिया की, अब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में सबसे रेलवे क्या है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, है ना। बहुत से गाने भी बन गए हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी के, भाई मतलब हम कश्मीर टू कन्याकुमारी हो आए लेकिन हम नहीं देख पाए तुम्हें, ऐसी बातें होती हैं, ऐसी कहावतें भी बन चुकी हैं। तो क्यों बनी है, क्योंकि कश्मीर हो जाता है एंटायर नॉर्थ में और कन्याकुमारी हो जाता है एंटायर साउथ में, ठीक है। तो ये नॉर्थ टू साउथ का सबसे लॉन्गेस्ट रूट है इंडिया का, मतलब रेलवे वाइज, राइट। सो इस तरीके से आपको छोटे छोटे फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो वी आर डन विद टुडेज क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन कब हो गए पता ही नहीं चला। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो आज का, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक है। अगर आपको एडिशनल वीडियोस चाहिए रहते हैं तो वो यहाँ पे मिल जाएंगे। फ्री स्टडी मटेरियल टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसकी लिंक भी यहाँ डाली हुई है, नेहा शर्मा SSC आप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट्स में जरूर बताइए आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।